खालिस्तान का समर्थन करना, भारत के नक्शे से पंजाब को अलग हटाकर दिखाना और भारत के लोगों को गाली देना और भारत के ही झंडे का अपमान करना। हम बात कर रहे हैं पंजाबी कनाडियाई सिंगर शुभ की, जो कि एक बार फिर विवादों में फंस चुके हैं। खालिस्तान के समर्थन को लेकर विवादों में रहने वाले पंजाबी सिंगर शुभ एक बार फिर नए विवाद में फंस गए हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक कॉन्सर्ट के दौरान शुभ को पंजाब के नक्शे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाली तस्वीर के साथ एक हुडी पकड़े हुए देखा गया। वहीं जब ये विवाद हुआ तो शुभ ने अपनी सफाई में कहा कि हुडी को दर्शकों की तरफ से फेंका गया था और उन्हें नहीं मालूम था कि इस पर क्या बना है। सिंगर शुभ की तरफ से अपनी सफाई में एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि लंदन में मेरे शो में दर्शकों ने मुझ पर ढेर सारे कपड़े, ज्वेलरी और फोन फेंके। मैं वहाँ परफॉर्म करने गया था, ना कि ये देखने कि मुझ पर क्या फेंका जा रहा है और उस पर क्या लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मगर कुछ लोग मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। अपने बयान में शुभ ने भारत में कैंसिल हुए अपने टूर की तरफ भी इशारा किया। दरअसल लंदन में शुभ का कॉन्सर्ट 29 अक्टूबर को हुआ था। इस दौरान इस कॉन्सर्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शुभ को एक ही उडी थामे हुए देखा जा सकता है, जिस पर पंजाब का नक्शा है और इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाने वाली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स का कहना है कि शुभ ने हुडी को थामने से पहले उस पर बनी तस्वीर को एक नजर देखा भी था। ऐसा ही कुछ वीडियो में भी देखने को मालूम होता है। वहीं इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि ये हुडी अकाल क्लोथिंग की है। इस कपड़े के ब्रांड ने भारत विरोधी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए शुभ के कॉन्सर्ट का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कंगना रनौत ने इस हरकत के लिए शुभ की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि उन लोगों के जरिए एक बूढ़ी महिला की हत्या का जश्न मनाना कायरता है, जिन्हें उन्होंने अपना रक्षक बनाया था। खालिस्तान विवाद को लेकर पहले ही शुभ का इंडिया टूर कैंसिल हो चुका है। भारत कनाडा राजनयिक विवाद के दौरान शुभ की एक पोस्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने बिना जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के देश के नक्शे को पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा गया था कि पंजाब के लिए दुआएं करें। कनाडा में रहने वाले शुभ भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिंगर है। उनका क्रेज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। भारत कनाडा के संबंधों में खटास और टूर कैंसिल होने के बावजूद भी शुभ अपनी देश विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके गाने को समर्थन देने वाले देश में ही बैठे कुछ गद्दार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।